जैसे आप नाकाम हो रहे हैं या कामयाबी के आप पीछे भागे नहीं, आप अपने आप को इतना एबल बनाएं कि कामयाबी खुद आपके पास आए। उसके बाद जो फेलियर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग से। माय नेम इज़ मारवी अवान, आई एम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर एंड अ सर्टिफाइड जेंडर ट्रेनर। ज़िंदगी में जैसे सबके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, मैंने भी वो सारे चैलेंजेस देखे, उन चैलेंजेस का मुकाबला भी करना हमें वक्त के साथ आता है। जैसे हम उन चैलेंजेस का सामना करते हैं तो फिर हमें उन चैलेंजेस का मुकाबला करना आता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। तो ज़िंदगी में चैलेंजेस हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में हो, बेशक आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, या तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी फेज़ में हो, चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चैलेंजेस का मुकाबला करना आना चाहिए। अगर हम डर के बैठ जाएंगे कि इस फील्ड में तो बहुत चैलेंजेस हैं, इस लाइफ के फेज़ में तो बहुत चैलेंजेस हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कैसे इनका मुकाबला करेंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप को खुद डिस्करेज करने वाली हो जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ में ख़ुद को खुद मोटिवेट किया है। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में लोग आएं और वो आपका हाथ थामें, आपको बात समझाएं, ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोग अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि जी हमारे माँ बाप ने हमें ये बताया ही नहीं, हमारे माँ बाप को चाहिए था कि हमें इस फील्ड में भेजते या ऐसे करते। हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हम दूसरों को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब से हम होश संभालते हैं तब से चीज़ों को मैनेज करना, कंट्रोल करना समहाउ हमारे अपने हाथ में आ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहें, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें, और कोई भी चैलेंज आ रहा है तो उसको डील करने का जो खुदा ने हमें जो एबिलिटीज़ दी हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उन चैलेंजेस को डील करें। मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कम एज में बड़े बड़े चैलेंजेस आए। मैं आज जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो उम्र थी वो तो बड़ी खेलने की थी, या वो तो अपनी यूथ को इंजॉय करने की थी, मैं किन कामों में पड़ी हुई थी। लेकिन फिर जब आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जब आपके माँ बाप को आपकी वजह से इज्जत मिलती है, जब मुआशरे में किसी तकलीफ़ किसी इंसान को हो और उसको खुदा आपको ज़रिया बनाए उसकी आसानी के लिए, वो जो फीलिंग होती है वो सारी थकन भी ख़त्म कर देती है। और जितने चैलेंजेस का मुकाबला जिस तरह टूट के आप करते हैं और फिर मजबूत होते हैं, आप फिर टूट जाते हैं, आप फिर मजबूत होते हैं, ये सिलसिला जारी सारी रहता है मेरे ख्याल से ता हयात। अब तक मेरी जितनी उम्र है तब तक मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, और मुझे लग रहा है कि आगे भी सक्सेस के साथ साथ आपके चैलेंजेस भी मल्टीप्लाई होते जाते हैं, और उन मल्टीप्लाई होते हुए चैलेंजेस को हमारी सक्सेस, हमारी करेज, हमारा फेथ, हमारा खुद पे और हमारी एबिलिटीज़ पे बिलीव, हमारी खुदा के, हमारे रब्बुल आलमीन की जो कायनात है उसने इतनी हसीन कायनात बनाई है, उसकी कुदरत है, उसकी ताकत है, उस पे जो हमारा भरोसा है, और कि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा अगर हम हुकूकुल इबाद और उसके बंदों का साथ निभाते रहेंगे। मैंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद से ही ली है, मैं यहीं पैदा हुई हूँ। जब मैं पैदा हुई थी घर में पहली औलाद बेटी, तो मुझे अम्मी बताती हैं कि बड़े बातें सुनने को उनको मिली थी कि जी पहली ही बेटी हो गई, और लेकिन मेरे पापा बड़े खुश हुए थे। और अभी हम बॉम्बे बेकरी का नाम सुनते हैं तो मेरे पैदा होने पर उसके केक्स उन्होंने सबको दिए थे, और मेरे लिए बड़ी प्राउड की आज बात है। लेकिन उसके बाद फिर मेरा छोटा भाई हुआ मेरे बाद ही, डेढ़ साल बाद ही, लेकिन स्टिल मेरे फादर ने हम दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं महसूस करवाने दिया, क्योंकि ये ऐसा स्टेज होता है कि अगर बेटियों को, बच्चियों को डिस्करेज कर दिया जाए तो वो आगे ज़िंदगी में बढ़ने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे फादर का वो जो स्टेप था, हम दोनों बहन भाइयों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, इक्वल कॉन्फिडेंस देना, इवन इक्वल रोटी देना, इसने बहुत ज़्यादा मुझे मज़बूत बनाया कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी आगे ज़िंदगी
ज़िंदगी में उसी तरह आगे बढ़ सकती हूँ जैसे एक मर्द या एक लड़का बढ़ सकता है। उसके बाद जब आगे लाइफ के फेजेस होते गए तो मैंने सबसे पहले मैंने अपनी एजुकेशन बलूचिस्तान जैसे प्रोविंस में स्टार्ट की, क्योंकि मेरे फादर की हॉस्पिटल वहाँ थी, ही इज़ अ डॉक्टर, और हम वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर स्कूल को एजुकेशन फर्स्ट स्कूल मेरे अम्मी अब्बा ने छोटा सा स्टार्ट किया ताकि उनके बच्चे उसमें पढ़ सकें। लेकिन बलूचिस्तान काफ़ी चैलेंजिंग प्रोविंस था, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ पर, को एजुकेशन स्कूल बहुत ही एक न्यू कॉन्सेप्ट था। तो पहला तो हमारी जो दर्सगाह है वो हमारे अम्मा अब्बा की तरफ से ही बनाई गई थी, लेकिन हम नहीं वहाँ पर ज़्यादा अरसा रह पाए और वो स्कूल भी इतना नहीं चल पाया। फिर हम हैदराबाद शिफ्ट हो गए, तो अब मेरी मदर और हम बच्चे हैदराबाद में एजुकेशन के लिए रहते थे और मेरे पापा आउटबैक करते थे हब से, बलूचिस्तान से, वहाँ उनकी हॉस्पिटल होती थी। तो अम्मी ने हम बच्चों को अगर देखा जाए तो दोनों पेरेंट बन के ही यहाँ पर पाला, क्योंकि पापा तो वीकेंड्स पे आया करते थे। तो उस चीज़ ने भी हमें मजबूत किया कि अब्बू जब दूर होते हैं तो बच्चे किस तरीके से आगे चल पाते हैं। मैं स्कूल जाती थी तो अपने फादर की तस्वीर मुझे किताबों में नज़र आती थी और मैं बड़ा उनको मिस करती थी। मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही थी इनिशियल फेज में, और मेरा स्कूल में एडमिशन भी मेरी एक बचपन से स्मार्ट होने का सबूत है, जैसे कि आई एम अ सिंधी स्पीकिंग, और सिंधी में हम टमाटर को टमाटो कहते हैं। और जब मेरा टेस्ट हुआ, एडमिशन टेस्ट स्कूल में, तो मुझसे पूछा गया टमाटो की पिक्चर रख के, तो मैंने तो सिंधी में टमाटो कहा था, बट माय टीचर वाज सो इम्प्रेस्ड कि वाओ शी नोज इंग्लिश, और मेरा बहुत जल्दी एडमिशन हो गया था। मैंने ब्राइट किड्स एकेडमी आपा शम्स अब्बासी के स्कूल से अपनी शुरुआती ज़िंदगी की तालीम हासिल की है। मुझे पहले नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी रोल मॉडल हैं एजुकेशन के हवाले से, बट विद द टाइम मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि मैंने एक ऐसी पर्सनैलिटी के स्कूल से तालीम हासिल की है जो कि खुद एजुकेशन के हवाले से बीइंग अ वुमन उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। स्कूल में मैं काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रहती थी, बहुत जल्दी पिक कर लेती थी चीज़ें, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट भी करती थी। मेरे पेरेंट्स की भी सपोर्ट होती थी उसमें, इंग्लिश ड्रामाज हों, उर्दू ड्रामाज हों, और कोई भी एक्टिविटीज़ हों, स्पीचेज़ हों, हमेशा मुझे अवार्ड्स मिलते रहते थे और काफ़ी अच्छा मेरा प्रोफाइल रहा स्कूल में। आई वॉज़ अ हेड गर्ल ऑफ द स्कूल एंड ऑल, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेमोरीज़ हैं। लेकिन वहाँ पर चैलेंज ये दो चैलेंजेस आए स्कूल में। नंबर वन, एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया था मेरी फैमिली पे, तो वो मुझे याद है कि फ़ीस का इशू हो जाता था और हमें टीचर खड़ा कर देती थी अक्सर क्लास में, या डायरी में लिखकर भेजती थी कि फ़ीस क्यों नहीं पे की जा रही है। तो हम बच्चे होते थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये चीज़ क्यों हो रही है, सबकी फ़ीस पे हो रही है, हमारी फ़ीस क्यों लेट हो रही है। तो वो जो वक्त था उसमें भी हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। वो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस था उसको सिर्फ बच्चे नहीं, सिर्फ माँ बाप नहीं, बल्कि पूरी फैमिली मिल के फेस करती है। तो उस टाइम को हमने फेस किया, सिर्फ अशेम्ड हम होते थे क्लास में जब खड़ा कर दिया जाता था या डायरी में लिख दिया जाता था, लेकिन उसको भी हमने फेस किया और वहीं से ही हमें चैलेंजेस फेस करना भी हमने लर्न किया। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये स्कूल में होता था कि जब मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिलते थे तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात करना छोड़ देते थे। उनको ये होता था व्हाई शी इज़ अचीविंग सो मच और हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब होती थी और मैं अपनी टीचर के पास जाके कहती थी कि मेरे सारे अवार्ड्स मेरे फ्रेंड्स को दे दें, लेकिन बस वो मुझसे बात करना शुरू कर दें। फिर वहाँ पर भी पेरेंट्स ने समझाया कि बेटा, जो लोग आपकी सक्सेस में आपके साथ नहीं खड़े होते वो आपके दोस्त नहीं होते। तो माँ बाप का तरबियत में मेरी बहुत ज़्यादा हिस्सा रहा है, और मेरा मानना भी ये है कि आपके पेरेंट्स कि आप उनकी रिफ्लेक्शन है, आप उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। आप ज़िंदगी में कहीं भी चले जाएं, आपका उठना बैठना बोलना सब, मुझे लगता है मैं अपने पापा को रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, मैं अपनी अम्मी को रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मेरी एजुकेशन एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज से रही, वो भी लतीफ़ाबाद 6 नंबर में गर्ल्स कॉलेज है, अच्छा रहा काफ़ी वहाँ पर भी टाइम। लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि मेरे फादर का बहुत मुझ पर था कि आपने डॉक्टर ही
बनना है और बायोलॉजी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गई थी, आई वॉज गुड एट मैथ्स। तो ये फेजेस भी आते हैं जिंदगी में, मेरी लाइफ में भी आया, जहाँ पर मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी है एजुकेशन के लिहाज से, मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मैंने वहाँ पर भी कोशिश की कि अपना बेस्ट दूँ। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। लेकिन जैसा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, वो मैंने अंदर ही अंदर पहले ही सोच लिया था, तो मैं SH टेस्ट वगैरह के लिए, इन चीज़ों के लिए इतनी मोटिवेटेड भी नहीं थी। शुरू से लेके यूनिवर्सिटी कॉलेज के टाइम में ही मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा सोशल वर्क की तरफ था। जब हम छोटे होते थे, हमें पॉकेट मनी मिलती थी, तो हम देखते थे अपने पेरेंट्स को भी करते हुए इस तरह के सोशल वर्क, ये काम। लेकिन जो कहते हैं ना TV और ये चीज़ें, मीडिया जो घर में चलता है, ये बच्चों पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो मैं ईदी साहब को देखती थी और मुझे बड़ा अच्छा फील होता था कि इतने बच्चे उनके आसपास हैं, वो सबको खाना खिला रहे हैं, उन्होंने शेल्टर होम्स खोले हुए हैं। तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं भी ऐसा कोई काम करूं। तो जो पॉकेट मनी मिलती थी, हम दोस्तों के ग्रुप्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट, हम चाहते थे कभी किसी के घर की छत बनवा दी, कभी किसी के आँखों का ऑपरेशन करवा दिया, कभी किसी गरीब को खाना खिला दिया। तो ये उस वक्त में ही, जब इतनी समझ भी नहीं होती थी कि ह्यूमैनिटी के लिए वर्क क्या होता है, वेलफेयर वर्क क्या होता है, दिस इज़ समथिंग इनसाइड यू, ये आपके अंदर होता है, ये आपको कोई सिखाता नहीं है। तो वो खुद ही खुद वो जो फीलिंग्स होती थी वो आती थी कि किसी की मदद करनी है, किसी के लिए आगे बढ़ के उसका हाथ थामना है, या घर पे जैसे अक्सर दोपहर में सब सो रहे होते थे, दरवाज़ा बजता था, कोई खाना मांग रहा होता था, तो सब सो रहे होते थे, तो मैं छुपके से किचन से कोई रोटी निकाल के, खाना निकाल के, मैं उसको दे के मैं दरवाज़ा बंद कर देती थी। तो ये चीज़ें हमेशा से मुझे करना पसंद था, अच्छा लगता था। उसके बाद फिर लाइफ में आगे बढ़े, तो यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की है। तो सुबह मेरी यूनिवर्सिटी होती थी, मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक होता था, तो इवनिंग में मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस लेने जाती थी। मैंने कुछ एग्जीबिशंस भी लगाए थे हैदराबाद में, डिफरेंट होटल्स में, और ऑनलाइन भी मैंने शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप का मुझे शौक था, तो छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में मैंने सिटी स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे एक इंटरव्यू पे वहाँ पर जॉब मिल गई थी, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरी लाइफ की पहली जॉब में मैं 25,000 रुपीज़ अर्न कर रही हूँ, और वो भी काफ़ी मोटिवेटिंग था, और खुसूसन छोटी इंटरेक्शन थी वो मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी मैं उनको पढ़ाने में, जूनियर क्लासेस में। उसके बाद मेरे अंदर एक चीज़ थी कि कभी भी स्टॉप नहीं लगाया मैंने कहीं पर भी, मैं जिस भी फील्ड में, जिस भी डायरेक्शन में अपनी लाइफ में गई, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। तो सिटी स्कूल में सुबह को मैं जॉब करती थी, और 2 बजे मैं ओल्ड कैंपस जाती थी BEd की क्लासेस लेने, क्योंकि मुझे था कि इफ़ आई एम डूइंग अ टीचिंग तो मुझे इसमें बेस्ट अपना देना है। मैंने उसमें क्रिटिकल थिंकिंग में थीसिस किए बच्चों की, उसके अलावा इनिशियल स्कूल बेस के कोर्सेज किए, उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया, और वहाँ पर भी मुझे बेस्ट क्लास टीचर के सर्टिफिकेट्स मिले और बेस्ट रिसर्चर के सर्टिफिकेट्स मिले, और काफ़ी अच्छा वहाँ पर भी मेरा टाइम रहा। डेडिकेशन एक ऐसी चीज़ थी, पैशन एक ऐसी चीज़ था कि जिस भी फील्ड में, जहाँ भी सर्व किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश की। फिर जो सोसाइटी यूज़ टू से यू आर अ टीचर, तुमने तो लाइफ में कुछ नहीं किया, योर फादर इज़ अ डॉक्टर, उन्होंने तो इतना आपके लिए ड्रीम देखा था, देन आई थॉट कि ओके मुझे CSS करना चाहिए। फिर मैं इस्लामाबाद चली गई, वहाँ ये अच्छी बात थी कि मेरा भाई और मैं, हम दोनों साथ गए। जैसा कि मैंने ये बताया कि हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों बहन भाइयों को, चाहे लड़का हो या लड़की, बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट दी है, और इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और मेरी पर्सनैलिटी पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। जब हम इस्लामाबाद गए, तो वहाँ बीइंग अ वुमन मुझे फील हुआ कि रियल लाइफ के चैलेंजेस को मैं मीट कर रही हूँ। इंडिपेंडेंट रहना, हॉस्टल में रहना, पाकिस्तान से डिफरेंट डिफरेंट लोग मेरे साथ रहते थे, उनको लर्न करना, उनके बच्चियों के, लड़कियों के चैलेंजेस क्या होते हैं, मैंने वहाँ समझे, सीखे, और शुरू से लेके जो सोशल वर्क किया, जो वॉलंटियरिज्म किया, उमूमन हम बच्चों को मना कर देते हैं कि आपको वॉलंटियर वर्क नहीं करना, आपको इससे क्या मिलेगा। मैंने भी ये चैलेंजेस देखे, मैंने भी ये
बातें सुनी अपने घर से भी, रिश्तेदारों से भी, कि आप क्यों सोशल वर्क करते रहते हो, क्यों घर से बाहर हो, क्या मिलेगा आपको इससे, दिस इज़ यू नो समथिंग जिसका कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन वो जो सोशलाइजेशन थी, वो जो बहुत ही अर्ली एज में जो वॉलंटियरिज्म था, उसने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना और जो सोसाइटी के डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं उनके साथ डील करना आया। और जो मोबिलाइजेशन की, वो एक आर्ट होता है मोबिलाइजेशन, मैंने उसको लर्न किया। जो सोसाइटी के चैलेंजेस हैं, हम सब लोग डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, कुछ मिडिल से, कुछ लोअर मिडिल से, अपर मिडिल से, कुछ लोअर क्लास से, तो हम अपनी क्लास में ही महदूद रह जाते हैं। अगर हम अपनी क्लास से निकल के दूसरी क्लासेस को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो मैंने अपनी क्लास से निकल कर, मिडिल क्लास से निकल कर, मैंने अपर क्लास को भी लर्न किया, मैंने लोअर क्लास को भी लर्न किया, मैंने उनके चैलेंजेस को देखा, मैंने देखा कि इनको स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है। हमारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट होता था पॉकेट मनी का जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते थे। फॉर इंस्टेंस हमारे पास 150 बैग्स होते थे जो कि हमें गरीब लोगों में देने होते थे, और आवाम इतनी होती थी, हमारे पास 150 बैग्स होते थे। हमें समझ नहीं आता था कि हम किसको वो बैग्स दें, हम किसकी मदद करें, किसकी ना करें। फिर उसके लिए हमने खुद से लर्न किया कि हमें सर्वे करना चाहिए, हमें जाना चाहिए लोगों के घरों में, झुग्गियों में, देखना चाहिए कि कौन डिज़र्विंग है, किसको दिया जाए, किसके घर में कितने अफराद हैं। इस चीज़ ने भी उस अर्ली एज में बहुत ज़्यादा हेल्प की ये लर्न करने में कि क्लास सिस्टम किस तरह से है, लोग कितने फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, उनकी मदद कैसे की जाए। तो ये सारी चीज़ें अर्ली एज में आप घर बैठे नहीं लर्न कर सकते, आपको किताबें नहीं सिखा सकती हैं, आपको स्कूल या आपके माँ बाप नहीं हर बात सिखा सकते, आपको बाहर निकलना पड़ता है, आपको इन लोगों से इंटरेक्शन करनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है, और आपके एक एहसास का एलिमेंट आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑब्जर्वेंट होंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन आएगी कि आपके पास लिमिटेड और अवेलेबल रिसोर्सेज में आपने कैसे सर्व करना है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं, इस्लामाबाद जाके भी मैंने इन चीज़ों को नहीं छोड़ा। CSS की जहाँ पर बात करते हैं, तो मैंने ये महसूस किया है कि जब हम CSS एस्पिरेंट होते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि अगर आपने CSS नहीं किया तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने डिप्रेसिंग बना दिया है। CSS के जो 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उससे बहुत कुछ लर्न करते हैं, और स्पेशली आपकी जो स्पेसिफिक डिग्री होती है, आप उससे बाहर आपको कुछ लर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं हमारे सुनने वाले दोस्तों को यही कहना चाहूँगी कि CSS से घबराएं नहीं, और इन बातों से ना घबराएं कि जी अगर हमने CSS ना कर सके तो हमारी कोई बेइज्जती हो जाएगी या ज़िंदगी में हम कुछ ना कर पाएंगे। मैंने भी उस फेज से मैं भी गुजरी हूँ जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था मेरे ऊपर और प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि आपने तो CSS पास करना है वरना आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं भी फर्स्ट मेरी करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी, और हम अपने बच्चों को ये अखबार और TV इनसे बड़ा दूर रखते हैं। मैं अपनी फर्स्ट करंट अफेयर की क्लास में वापस आके बहुत रोई थी, और मैंने अपने फादर को कॉल की कि ये शायद मेरा गलत फ़ैसला है, मुझे यहाँ नहीं इस्लामाबाद आना चाहिए था, और मेरे तो जो है सर के ऊपर से ये बातें गुजर रही हैं। बट फिर मैंने इंटरेस्ट लिया दैट वॉट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री, वॉट इज़ यू नो हैपनिंग ऑन द इंटरनेशनल लेवल, ऑन नेशनल लेवल, हमारी जो सारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो क्या है, हम कैसे इसमें बेहतरी ला सकते हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा मुल्क कैसे बना, हमारे लीडर्स ने क्या किया। तो मेरा CSS का टाइम मेरे लिए, मेरी हर किताब, मेरी हर क्लास का लेक्चर मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहा। मैंने उनसे सिर्फ CSS में परफॉर्म करने के लिए नहीं सीखा, लेकिन मैं अपनी जो ज़िंदगी की जो हमारी लर्निंग्स होती हैं, मैं उन चीज़ों को उसके अंदर एड ऑन करती रही। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नंबर्स की वजह से मैं नहीं पास कर पाई। मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, मैं कुछ पेपर्स के बाद नहीं दोबारा जा पाई, तो मैं बहुत होपलेस हो गई थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर था कि मारवी तुम तो CSS करने इस्लामाबाद आई, तुम नहीं कर पाई, अब क्या होगा। लेकिन 2-3 अच्छी चीज़ें थी जो कि मेरे अंदर शुरू से मौजूद थी, कि कभी भी कामयाबी या कोई जैसे आप नाकाम हो रहे हैं या कामयाबी के आप पीछे भागे नहीं, आप अपने आप को इतना एबल बनाएं कि कामयाबी खुद आपके पास आए। उसके बाद जो फेलियर है,
गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग से।